आइए कुछ दिमाग को फ्रेश कर लें। पजल क्या है तो देखेंगे जी, जो कोडिंग डिकोडिंग में आप सीखें, नंबर सीरीज सीखें, नंबर सीरीज को ही किसी एक फिगर में, बॉक्स में या फिर इस तरह से बना के दे दिया जाता है, उसका नाम पजल होता है। लेकिन पजल एक्चुअल में है नहीं, वो क्या है, नंबर सीरीज है। यानी पजल भी क्या है, एक सिस्टम से बढ़ रहा है। आप इसको देख लीजिए कैसे हो रहा है। आप अगर इस पजल को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, बोलिए तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। ये देखिए भाई क्या होगा यहां पर, वन वन डबल जीरो एट जीरो, क्यों क्यों हुआ ये, सो देखिए, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री बारह, इंटू फोर यानी वन से टू से थ्री से नो डाउट ये जरूर इंटू फाइव होगा, देखिए इंटू सिक्स है, तो अब हम इंटू सेवन करेंगे, यानी वन फोर फोर जीरो इंटू सेवन करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए वन डबल जीरो एट जीरो। तो आपने क्या देखा कि इसको एक सर्कल में जरूर ले लिया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, नंबर से, लेकिन नाम क्या हो गया, क्योंकि शेप चेंज कर दिया, शेप चेंज होने से नाम चेंज हो जाता है, पेड़ा बना दिया, बर्फी बना दिया खोआ का ही बन रहा है, बोलता है बर्फी दो, अब बर्फी दे के अगर मान लीजिए बर्फी मांग रहे हैं, पेड़ा दे दिया, अब बोले हम क्या मांगे थे, अरे भाई दोनों खोआ का, खाली शेप चेंज हो गया भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, बोलो जी क्या आंसर होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 74 आंसर बोला जा रहा है। मैंने अभी क्या बोला भाई, ये तो वही पजल भले ही नाम दे दिए, शेप चेंज हो गया, या तो बर्फी बोलिए या पेड़ा बोलिए, दोनों खोआ से ही बनता है, याद रखेंगे। तो यहां से देखिए, चार से शुरुआत हुआ, दस हुआ, बीस हुआ, चौंतीस हुआ, बावन हुआ, यहां छोड़ दिया, 100 हुआ, 130 हुआ, देख लीजिए कैसे बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हैं, चार चार करके प्लस हो रहा है, छह चार दस, देख रहे हैं, छह के बाद यहां चार बढ़ गया, बीस हो गया, छह छह से चार जोड़े दस, दस चार चौदह, चार अठारह, अठारह के बाद अब क्या होगा यहां बाईस, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 आंसर होगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा ना आगे गया है तो क्या हुआ, चार चार बढ़ा रहे हैं तो 22 के बाद और चार कितना होगा, बोलिए 26, 74 और 26 ठीक हो गया, और 26 के बाद 30, यानी मेरा जो यहां पर क्या भराएगा, बोलिए 74। क्या हुआ बताइए, कैसे आया है ये 8, कैसे आया ये सोचिए पहले, अच्छा उसी तरह से वो दूसरा हो रहा है क्या, बोलिए आप बोल रहे हैं कि 9 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 और 7 16, 16 में से 8 माइनस किए तो 8 आ गया, 6 4 इसको पहले देख लेते हैं, 9 और 5 14, 14 में से नहीं आ रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं 9 प्लस 8 प्लस 7 3 से काट दिए तो 8 7 15 24, 24 को 3 से काटे तो 8 हो रहा है, इसको चेक कर लें इसी तरह से, 18 3 से गया तो 6 आया, तो भाई अब हम इसको भी इसी तरह से करके देखेंगे, 4 और 4 यहां पर आंसर है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो अभी आपने देखा कि पजल किसको बोलते हैं, और नो डाउट रीजनिंग का एक पार्ट है, पजल भी बोल के आता है, आप देखेंगे आरआरबी में सीएचएसएल में पजल बोल के आता है, यही पजल है, ठीक है।